अभी घर तो है नहीं कि मेहमान ज्यादा आ गए तो आलू गोश्त पे पानी मिला दो। नहीं, तो शादी है। मेरे साथ हो चुका है। हाय अल्लाह। हाँ, मैं मेरी छोटी बेटी की मेहंदी थी तो मैंने कोई मतलब मैंने 800 लोगों का इंतजाम किया हुआ था मेहंदी पे ना, और माशाल्लाह पहुंच गए होंगे 1600, लेकिन आगे 2000। ओ माय गॉड, 2000 लोग आए थे। 2000 लोग आए थे, मतलब हमारे अपने शोबिस के अलावा जो जैसे जहाँ रहते हैं। चलो यार, खाना खाने चले शादी का। नहीं, हजारा जावेद की बेटी ना, 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 खाना यार। खाने के चक्कर खाना तो फिर वो आते हैं तो खाते हैं ना। एक्चुअली जैसे सबा के बेटे की शादी और वैसे मेरे गजाला जावेद की के आर्टिस्ट बहुत आएंगे उस चक्कर में। आपने अगर मैंने किसी मतलब जैसे कि दूर के लोग हैं जो पड़ोसी हैं मोहल्ले हैं किसी एक को बुलाया ना तो वो अपने पूरे बता करके गजाला जावेद की बेटी की शादी है, उन्होंने गांव से भी लोग आ गए। जैसे हमारी शादी मेरे साथ भी हुआ था। मेरी और यासिर की शादी हो रही थी तो मेरे अम्मी अब्बू से कहते सुने शादी के चार पासेस मिलेंगे। So literally क्या शो चल रहा है, चार पांच मिलेंगे शादी के। उफ अल्लाह, इतना मतलब उस टाइम पे सबसे बुरी चीज जो ये है कि जो फालतू में जिनको मैं जानती भी नहीं देखा भी नहीं है कभी जिंदगी में वो लोग बैठे खाना खा रहे हैं और जिनको मैंने बुलाया खाना उनको मेरा नहीं मिल रहा। मेरे पास मेरा भांजा है नाजिम, वो मेरे पास है, गजाला आंटी खाना थोड़ा रह गया। मैंने कहा क्या मतलब है, कहते हैं आप देख रही है दुनिया। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कहता आप फिक्र नहीं करें। उसने ना अपने सारे जो भी उसके नौकर ये वो ड्राइवर दो चार दूसरों के भी सबको कहा जितनी देखे हैं जहाँ जहाँ किसी पे सब उठा के ले आओ। तो वो एंड टाइम पे दुनिया गई, मतलब जब सबसे अच्छी बात थी कि जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी ना वो अक्लमंद आदमी था। उसने 11:30 बजे देगों वाली शॉप खुली हुई थी, आपको यकीन करें एक एक देख पता नहीं सदर से और कहां कहां से जहां पे मतलब थोड़ा सा ज्यादा पैसे देने पड़े। हाँ। लेकिन ये है कि वो देगे बिरयानी की और कोरमे की दो चीजें। हाँ। ये नहीं कि सारे लवाजमात आए। हाँ। दो चीजें लेके आएंगे ताकि जो लोग सुबह तक 6 बजे तक तो डांस चल रहे थे तो जाहिर कुछ तो खाएंगे ना। जाहिर सलमान की शादी पर ऐसा हुआ, सलमान की शादी पर मेहंदी पर मैंने घर में ही की हुई थी। घर में मेरा गैराज बहुत बड़ा है, बाहर रोड को भी वो करके तो वहाँ की भी थी और मैंने बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हुए थे, मैंने कोई मतलब में 200 बुलाए हुए थे और 250 शायद। अब मैं देख रही हूँ अंदर और आ रहे हैं ना, तो मैंने जिन दो दो को बुलाया था 7-7 लोग बिल्कुल यही था। और मैं देखती थी और शादी आके मेरे कान में कहती थी अम्मा ये भी 7 लोग आए। मैं उन्हें देखती थी, मैं कहती थी सब कुछ नहीं हो सकता, मैं जाके डांस करना शुरू हो जाती थी कुछ नहीं हो सकता। फिर वो हमारे एक्चुअली फारूक केटर्स वाले हैं लाहौर में, जो हमारे खानदानी है, मेरे मामुओं के बच्चों की भी शादियां हुई। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बाजी मैं बताता हूँ लोग ज्यादा हो गए लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आप हमें बस 1.5 घंटा दें हम उसको कर लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले रही टेंशन, मैं मेहंदी को एंजॉय कर रही हूँ, अब आप देख लीजिएगा कुछ भी। फिर उन्होंने अरेंज किया और जब खाना जब खुला तो वो सारा माशाल्लाह पूरा हो गया, लेकिन 150 लोग ज्यादा आई तो 1100 ज्यादा आ गए। नहीं, 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 तो बहुत ज्यादा नंबर है। अच्छा, ज्यादा करना अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने कहीं ये मेंशन ही नहीं किया था कि मैं अपने घर के सामने ग्राउंड है उधर कर रही हूँ। फिर भी मुझसे आते थे ना जो भी मिलते थे, मैं और फैसल हम लोग दोनों रिसेप्शन पर खड़े हुए थे तो जो भी आता था अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कहती थी अस्सलाम वालेकुम, मैं कहती थी फैसी ये कौन, क्योंकि मैं तो अपने मोहल्ले वालों को जानती नहीं हूँ, मैं रहती नहीं हूँ। तो फैसी कहती थी ये कुरैशी साहब को, मैंने कहा कार्ड दिया था, कहते हाँ मैंने कुरैशी साहब को दिया था, मतलब एक नाम ले रही हूँ क्योंकि वही उनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मियाँ बीबी का दिया था। तो ये तो फैसी, ये तो पूरी फैमिली आई है। अच्छा जी, फैसी ने अब अपने जो भी दोस्त थे उनको जिनको और मोहल्ले में से वो लोग आए जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, पहचानती भी बिल्कुल नहीं थी, सेम लेकिन सबको जाहिर है पता था इस सबा फैसल के उधर और माशाल्लाह आगे थे लाहौर में भी आर्टिस्ट। तो खैर उधर खाना कम नहीं हुआ, सही रहा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर टेंशन आने नहीं दी। तो मैं गई स्टेज पर गई तो मैं अरसलान और निशा को कहने लगी, मैंने कहा निशा मुझे लग रहा है बेटा कि आज भी खाना कम हो जाएगा, लोग बहुत आ गए। तो कहने लगी मम्मी
अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला बहुत इज्जत रखेंगे, बहुत बरकत डालेंगे। तो इतनी बरकत थी कि बाद में वो देखचों में घर भी देख रहा था खाना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह डाइटिंग करने वाले लोग ज्यादा आ गए होंगे लगता है। वो मैंने एक ट्राई की, तो उन्होंने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया, तो ये बड़ा इवेंट था, तो मेरे पास एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर की भी थी ऑप्शन, लेकिन मैंने फिर कहा कि जब एंगेजमेंट का किया है तो ये भी, तो मेरा घर अंदर से सजाया, फिर इन लोगों का रूम फ्रेश फ्लावर से सजाया और पूरा यार वो बड़ा अच्छा वीडियो थी यार, है ना, फिर एक नया आइडिया मिला ना। हाँ नया आइडिया, ये वाला मॉडर्न है, ये स्टाइलिश है। यस यस, नया आइडिया मिला बहुत, और वो यूज भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई राबिया जी, आप बताएं भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इवेंट ज़ाहिर आप देखती, तो इसको इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? सो जब हम आप हमें एक नंबर ऑफ गेस्ट का बताते हैं, से जिस आपने कहा कि 800 गेस्ट थे, तो मैक्सिमम ये होगा उसमें 40-50 लोगों का मार्जिन होता है। हाँ। और ये पहले से बता देते हैं कि इतने गेस्ट अगर हो रहे हैं आपके, तो जस्ट लेट अस नो अ डे इन एडवांस ताकि हम उसकी अरेंजमेंट कर लें। लेकिन ये वैसे अनप्रेसिडेंटेड है, इतने ज्यादा आपको सब शादी है ना, टेंशन होगी सारी चीज उस रात के टाइम में अरेंज करने की, आप ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। अच्छा हम लोग थोड़े बहुत अपने ऐसे भी टैक्टिक्स होते हैं ना कि जैसे आपने अगर स्टार्टर्स है तो पहले आप जरा स्टार्टर्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर्व कर दें, ओके, वन आफ्टर द अदर, तो वो आप करते रहे तो लोग उससे भी पेट थोड़ा सा भर जाता है। जी, जी, तो आप जो सर्विंग मेथड है ना उसको भी आप थोड़ा सा जरा कर लेना गेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, जैसे हम भी प्रेजेंट एट द वेन्यू, तो हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा हाँ लोग इससे ज्यादा हो गए हैं। और एक हम ये भी जहन में रखते हैं एज ग्रुप कौन सा है ज्यादा, यू नो जो थोड़े से जरा एल्डरली होते हैं उनका ईटिंग पैटर्न फर्क है, उनकी कंजम्पशन फर्क है, यंगर क्राउड की फर्क है, तो ये कुछ चीजें हम जहन में रख के उस वक्त उस हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। बट आई थिंक इसका सबसे सेफेस्ट बेट जो है वो ये है कि एक दिन पहले आप एक रफ एस्टिमेट जो है वो अपने प्लानर के साथ या अपने केटरर के साथ शेयर कर लें, ताकि हमारे पास उतना मार्जिन हो उस टाइम में कि हम वही चीज जो है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकें। होता है कभी कभार आपकी शादी पे पूरे लोग आ नहीं पाते या वायरल फैला होता है, बीमार होते ही होते, तो आपने अगर खाना जो बनाया तो कभी कभार वो जाया भी हो जाता है। और कभी कभार ये भी होता है कि ज्यादा लोग आ गए, खैर जितना गजाला जी की बच्चों की शादी पे आए 2000 और 800 में तो बहुत फर्क है, एक आम घर की शादी में इतना डिफरेंस नहीं आता, तो शोबिज की शादी ना, तो एक्टर्स को मिलने की आपको आइडिया होता है। मेरे वलीमे में क्या हुआ, हाँ कि हमारे एक डिजाइनर हैं, तो उसने मुझे मुबारक दी, तो मैंने बुलाना नहीं था, जाहिर है आपकी सबसे सलाम दुआ होती है लेकिन आप नहीं बुला नहीं बुला सकते अपने, तो मैंने कहा कि कहते आपने मुझे, मैंने आपके बहू के लिए केक लेकर आना, मैंने कहा केक का अरेंज तो हो गया है, नहीं मैंने तो ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा नहीं केक का अरेंज हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुबारक देने का, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो आए, अब मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, वो आए, उनकी अम्मी आई, उनके बहनोई आए, उनकी बहन आई, उनका भाई आया, उनकी भाभी आई, उनके दो बच्चे आए, और लिटरली मैं सच्ची बता रही हूँ मैंने उनसे सलाम के अलावा कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे ये इतनी जहालत लगी कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको भी इनवाइट नहीं किया, आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ गए, करते हैं तो ये होता है। तो हम सेलिब्रिटीज की जब शादी होती है हमारा भी एक मेन्यू होता है, हमारा भी एक बजट होता है, हमारी इज्जत होती है, सबसे तो बड़ी बात है कि स्पेस होती है, स्पेस कि होती आप है। जब किसी कोई भी चीज अरेंज करते हैं तो सबसे पहले तो आप जगह देखते हैं ना कि इस जगह पे इतने लोग आ सकते हैं, अब आप सोचें कि अगर 800 लोगों की जगह पे 2000 तो उनके तो सांस भी बंद हो रहे थे। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.